हेलो जी, मुझे पता है कि जैसे ही बजते हैं घड़ी में डेढ़, आप करने लगते हो मेरा वेट कि कब गीत आए और टीवी की तमाम खबरें सुनाए। तो सीरियल के नए ट्विस्ट और नए ड्रामे के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाऊंगी। नक्श ने मारा कार्तिक को तमाचा, कृष के लिए हुआ घर में हंगामा, अमीर नैना की हल्दी की रस्म, शुरू हो गया है शादी का जश्न, आरोही को किया तारा ने परेशान, दीप ने सुपर हीरो बन निकाला समाधान। आद्या को मिला खाना बनाने का टास्क, कैसे लगी किचन में आग। भाई, आम जनता के लिए वैलेंटाइन डे 14 फेब को है, लेकिन सौम्य और हरमन के लिए वैलेंटाइन डे तो अभी से शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों ही लोग बेहद खुश हैं। आज सौम्या को उसके लाडले सोहम के साथ वक्त बिताने का मौका मिल गया, मानो जैसे उसे पूरा जहां मिल गया, और इस पल को वो बिल्कुल भी जाया नहीं होने देगी। अपने बच्चे का जी भर के लाड करेगी। लेकिन ये सब इतना आसान न था। कल हमने आपको दिखाया था ना, कैसे हरमन की शर्त पर रोहन ने सौम्या को उसके बेटे से मिलवाया। मौका मिला है तो सौम्या भी इस पल का पूरा फायदा उठा रही है, अपने बच्चे को जी भर कर प्यार कर रही है। पंचायत का डिसीजन था कि अब सोहम जो है वरुण के साथ रहेगा, और वरुण ने अपना बदला पूरा करने के लिए ही मेड श्योर के हम उससे काफ़ी दूर रहें, बच्चे से दूर रहें। तो आज फाइनली जो मामा जी हैं, जो नई फैमिली इंट्रोड्यूस हुई है, तो उन्होंने शर्त रखी कि सौम्या और हरमन नौकर की तरह पहले काम करेंगे, फिर जाकर उन्हें मौका मिलेगा कभी कभार बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का। सो दैट वाज दी होल आइडिया, एंड फाइनली थोड़ा वक्त मिला। वहीं हरमन अपनी गुलाबों का रख रहे हैं बहुत ख्याल, सोहम की वजह से सौम्या जो रहती है उदास, इसीलिए हरमन उन्हें खुश रखने की कर रहे हैं हर कोशिश, जिसने बना दिया दोनों के बीच बड़ा ही क्यूट मोमेंट। सोहम हमारे साथ नहीं है, तो अब मैं अधिकतर समय जो है वो मामा जी के घर पर बिताती हूँ, और फिर हरमन जी इस तरह से मेरा ख्याल रखते हैं कि सुबह थोड़ा उठने में मदद कर लेते हैं, कुछ अगर तैयारी वगैरह करनी हो उसमें मदद कर लेते हैं। सो अब ये तो हम जानते ही हैं कि सौम्य और हरमन को अपने सोहम के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो आपको बता दें, जल्द ही रोहन करेगा कुछ ऐसा कांड जिसके चलते सौम्या को जाना पड़ेगा सौम्या की तलाश में सिंगापुर। खैर, उसके बारे में तो फिलहाल कुछ पता नहीं है, बट हाँ, सोहम के पीछे मतलब पूरी दुनिया छान सकती है सौम्या। सो लेट्स सी, थिंक सो। वैसे इतने चेंजेस आ चुके हैं, सो आई थिंक सो और भी कुछ आगे मेजर चेंजेस आने वाले हैं। भाई, सोहम के लिए दोनों और कितनी मुसीबतों से गुजरते हैं, ये सफर देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये सब सहन करने के लिए इन्हें काफी शक्ति की जरूरत पड़ने वाली है। बजाने 12 आ गया है दीप हमारा। आरोही पर मुसीबत आए और उसे बचाने दीप ना आए, ऐसा हो सकता है भला? देखो तो सही कैसे तारा और उसके गैंग की बैंड बज गई। डाकुओं के भेष में दुश्मनों का हमला, मुश्किल है आज आरोही की जान बचाना। आरोही का हो गया है किडनैप और पूरी प्लानिंग के साथ आज आरोही की जाएगी जान। अब कौन नया दुश्मन हो गया है पैदा, जो पूरे गैंग के साथ आरोही की जान लेने के लिए आ गया है? भाई, ये कोई और नहीं बल्कि ये तो अपनी तारा और उसका गैंग है, जिसमें कौन कौन है शामिल, खुद सुनिए तारा से। एक्चुअली ये थोड़ा अलग गैंग है, स्वैग भी है इसमें, थोड़ा देसीपन भी है इसमें, बिकॉज यू नो स्वैग इसलिए बिकॉज हम बिल्कुल प्रॉपर बूट्स एंड लेदर जैकेट्स, लेदर जीन्स, ये सब कुछ पहनी है सबने, एंड हम सब ये पगड़ी पहनी है, तो इट्स लाइक अ सरदारों की टोली और यू कैन से यू नो डाकू के भेस में आए हैं हम लोग। बहुत परेशान करने की कोशिश की है तारा ने आरोही को, बिकॉज ये सारा उसी का प्लान था। शी इज़ द मास्टर माइंड बिहाइंड दिस होल थिंग कि यू नो तारा, गुरुमा, मम्मी जी, उपासना सब मिलकर आरोही को जान से मारने की कोशिश करते हैं। तारा ने अपने स्वाग वाला गैंग बनाकर आरोही पर वार तो कर दिया और नकाब पहनकर ले आई उसे एक सुनसान जगह। कहते हैं ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, तो बस आरोही के साथ भी ऐसा ही हुआ। आरोही को बचाने आखिरकार आ गया उसका प्यार।
यानी कि दीप। बट देन अगेन चारों फेल हो जाते हैं बिकॉज एंड मोमेंट पर दीप आ जाता है उसे रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन क्या दीप को पता चल जाएगा कि नकाब के पीछे ये सब कौन है? और तारा है, मम्मी जी है, दिस इज आई थिंक अ बिग शॉकर फॉर हिम। पर जिस तरह से तारा ने बना ली है अपनी डाकुओं की गैंग, क्या दीप बचा पाएगा आरोही को या फिर तारा लेकर ही मानेगी उसकी जान? संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? अरे अगर आलिया से प्यार किया है तो डायरेक्ट जाकर इजहार क्यों नहीं करते? खाम खामे आरटीओ ऑफिस के चक्कर काट रहे हो युग बाबू। अब वक्त हो गया है हमारे उस सेगमेंट का जिसमें हम आपको 2 मिनट में ढेर सारी खबरें सुनाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, वाह खबरें। सिरे गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, मैं गुड्डन को लगी है बहुत जोर की भूख, क्योंकि गुड्डन है सर्दी और जुखाम से परेशान। गुड्डन जब खाली बर्तन देखती है तो हो जाती है हैरान, ये किसी और की नहीं बल्कि उनकी बहुओं की है चाल जो गुड्डन को करती है परेशान। गुड्डन है गुस्से से लाल और लगाती है अपनी बहुओं को डांट। सीरियलिस्ट के बाद में मन्नत शिवांश से हो गई है बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि शिवांश ने राधिका को गायब करने का उस पर लगाया है आरोप। इधर मन्नत की बहन मुन्नी भी कहीं गायब है, जिसके बाद शिवांश और मुन्नी में हो गई है जमकर तनातनी। शिवांश मियां तो हो जाते हैं इतना गुस्सा कि मन्नत को दिखा देते हैं बाहर का रास्ता। सीरियल आपके आ जाने से में आ गया है बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां वेदिका पहुंची है मंदिर, उनके पीछे पीछे पहुंच गए हैं साहिल भी, ताकि वो वेदिका को मना सके। लेकिन वेदिका को साहिल की हर बात से है इनकार, हालांकि इसमें साहिल का साथ देती है माया और दोनों मना लेते हैं वेदिका को। तभी वेदिका के फोन पर आता है एक MMS जिसमें साहिल और पंक्ति एक दूसरे के नजदीक आए। ये देखते ही एक बार फिर वेदिका का मूड बिगड़ जाता है और उसने साहिल को एक बार फिर से मना कर दिया। सीरियल सितारा में सितारा के सामने आ गया है सच कि वो एक विषकन्या है, इस बात का उसे यकीन नहीं हो रहा। नेत्रा का पीछा करते करते सितारा पहुंच जाते हैं विश्लो, जहां उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है। वृंदा की बातों पर यकीन नहीं करती सितारा, सितारा को यकीन दिलाने के लिए वृंदा छोड़ती है उस पे सांप, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता।